नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिल्टर्स। लास्ट क्लास में हमने फिल्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी फिल्टर्स, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। आज की में विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्टर्स। ये ऑलरेडी हम दिस इज द टू पोर्ट टी नेटवर्क, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें Z1 और Z2 इम्पीडेंस होते थे। सीरीज ब्रांच में Z1/2, पैरेलल ब्रांच में Z2 इम्पीडेंस होते थे, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट करते थे। सेम नेटवर्क है, बस हमें ये क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो इम्पीडेंसेस है उन्हें अगर हम फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें इन्हें रिएक्टिव रखना है, प्योर रिएक्टिव। तो इस केस में हमने इसको Jx1/2 और Jx2 रख लिया है। अगर ये एक इंडक्टिव है तो दूसरा कैपेसिटिव होगा। और ZOT के लिए हम पहले लास्ट सिमेट्रिकल नेटवर्क जब हमने स्टडी किया था वहां पर हमने टी नेटवर्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का ये इक्वेशंस ड्राइव किया था, जिसमें Z1 square upon 4 plus Z2 का रूट। तो ये इक्वेशन है इसकी, इसमें हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विद दी Jx1 एंड Jx2। तो वो वैल्यू जेड पुट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो ZOT2 माइनस में X1 square over 4 plus X1 plus X2, बिकॉज J square equal to -1 से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन ZOT की मिलती है। फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज डिपेंड अपॉन X1 एंड X2। यहां पर अगर हम देखें तो ये ZOT की जो वैल्यू है X1 और X2 पर डिपेंड कर रही है। बिकॉज X1 एंड X2 आर रिएक्टिव, हेंस द वैल्यू ऑफ X1/4 square plus X1 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि ये जो वैल्यू है X1 एंड X2 की वैल्यू क्या रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव है तो ये जो पूरी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो हमने ये कंसीडर किया X1 square over 4 plus X1 X2 विल बी प्लस माइनस ए, इसे हमने ए मान लिया है, और हमने कहा या तो ये नेगेटिव होगी या ये पॉजिटिव होगी। तो ZOT = -A/J√A। तो ये डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ ए कि वो X1 square by 4 plus X1 X2 की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम ये मानते हैं X1 square by 4 plus X1 X2 = -A, देन ZO विल बी रियल एंड पॉजिटिव। अगर ये जो ए की वैल्यू वो माइनस ए आई, ऑलरेडी एक माइनस उसमें है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ZO की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और रियल होगी। इन दैट केस द फिल्टर विल एब्जॉर्ब दी पावर फ्रॉम इनपुट सिग्नल, बिकॉज रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दी पावर इटसेल्फ। यानी इस केस में फिल्टर क्या करेगा, पावर को इनपुट सिग्नल से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता अपने आप से। हेंस नेटवर्क विल एक्सेप्ट पावर एंड ट्रांसफर द रेजिस्टर विदाउट एनी लॉस, इट मींस देयर इज नो एटेन्यूएशन। यानी कि अगर हमें X1 square over 4 plus X1 X2 की वैल्यू माइनस ए आ रही है, उस कंडीशन में ZO की जो वैल्यू है वो रियल होगी और पॉजिटिव होगी। इन दैट केस जो अल्फा की वैल्यू है वो जीरो होगी, एटेन्यूएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर E gamma is equal to, हमें पहले से इक्वेशन पता है, IS upon IR 1 plus Z1 upon 2Z2 plus Z0 upon Z2, now putting the value of Z1 Z2 in above equation, we get E gamma into IS upon IR is equal to 1, इस केस में मान लेंगे, now attenuation cost 10 निकाल लेंगे, तो ये that will equal to 0। तो हम ये जो बात यहां कह रहे हैं वही हमने मैथमेटिकली यहां पर प्रूव किया है कि अगर X1 square by 4 plus X1 X2 की अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है तो ZO की जो वैल्यू ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो जेड जो अल्फा है वो जीरो हो जाता है उस कंडीशन में। तो इट विल ट्रीट एज अ पास बैंड, तो उस केस में ये पास बैंड की तरह काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि X1 square by 4 plus X1 X2 की वैल्यू ए आती है, तो उस ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो दैट विल बी अ रिएक्टिव एंड इमेजरी। उस कंडीशन में ZO विल बी रिएक्टिव, यानी वो रियल, वो मतलब रियल ना होके इमेजरी पार्ट है। Such type of network would not dissipate or accept power because there is no resistive element. ऐसा network क्या है कि वो कोई भी power ना तो dissipate करता है ना ही power accept करता है, तो उसके अंदर कोई भी resistive element नहीं है power dissipation के लिए। It will transfer the voltage and current with 90 degree phase shift. It means there is attenuation. इसका मतलब यह है कि उसके अंदर attenuation होगा. That means the value of alpha is greater than zero. तो यहाँ अगेन हमने फिर Z1, Z2 की value put की है और इसमें तो अल्फा की वैल्यू निकाली, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा समथिंग, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ X1 एंड X2। X1 X2 वैल्यू कट करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा। तो इसका मतलब दिस इज द एटेन्यूएशन बैंड। इसमें क्या होगा, जो बैंड है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। तो हमारे पास जनरली फिल्टर के अंदर दो ही बैंड होते हैं, एक पास बैंड होता है, स्टॉप बैंड होता है। तो अल्फा जहां रियल है, ZO रियल है वहां पर वो पास बैंड है, जहां ZO इमेजिनरी है वहां पर वो स्टॉप बैंड है। दीज आर दी सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिल्टर्स।
सबसे पहले क्या था, करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस. वी ऑलरेडी सी दैट द वैल्यू ऑफ जेड ओ फॉर पास बैंड इज रियल एंड पॉजिटिव, व्हाइल इट शुड बी इमेजिनरी रिएक्टिव एंड नेगेटिव फॉर द स्टॉप बैंड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में, कि अगर करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड ओ रियल है और पॉजिटिव है तो उस केस में वो एक पास बैंड की तरह काम करेगा. अगर ये जेडो की वैल्यू नेगेटिव है और इमेजनरी है तो ये रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो एक स्टॉप बैंड की तरह काम करेगा. इट्स ट्रू फॉर बोथ टी एंड पाई नेटवर्क. ये एप्लीकेबल है चाहे टी पे नेटवर्क हो या पाई नेटवर्क हो. दूसरी करेक्टर पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक है, इन कंप्लीट पास बैंड बैंड द एटेन्यूएशन मस्ट बी मिनिमम व्हाइल इट शुड बी मैक्सिमम इन स्टॉप बैंड. यानी कि पास बैंड में जो एटेन्यूएशन है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी जीरो होनी चाहिए, और जो स्टॉप बैंड है उसमें मैक्सिमम होनी चाहिए. तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इन डेसिबल और नेपर्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्फा को. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसीज एट विच नेटवर्क चेंजेस इट्स बैंड फ्रॉम बैंड आर कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जो नेटवर्क है जो अपनी फ्रीक्वेंसी को नेटवर्क चेंजेस इट्स बैंड, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड को चेंज करता है कोई नेटवर्क. जैसे कि वो फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब जब वो पास बैंड से स्टॉप बैंड में जा रहा है या स्टॉप बैंड से पास बैंड में जा रहा है, जिस मूवमेंट पर वो चेंज करता है उस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो चेंज करता है उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अगर वो स्टॉप बैंड पास बैंड से स्टॉप बैंड में या स्टॉप बैंड से पास बैंड में जा रहा है फ्रीक्वेंसी पर, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर स्विच करता है उसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं. इट इज नेसेसरी दैट देयर विल बी शार्प ट्रांजिशन. ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी रेंज मस्ट बी स्मॉल, आइडियली इट शुड बी जीरो. यानी ट्रांजिशन जो है कि शार्प होना चाहिए, तुरंत से अगर वो पास बैंड में तो तुरंत से स्टॉप बैंड में आ जाना चाहिए. यानी तुरंत एटेन्यूएशन अगर आप जीरो है तो एटेन्यूएशन उसका मैक्सिमम हो जाना चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जेड जीरो चेंजेस फ्रॉम रियल टू इमेजिनरी और वाइस वर्सा. यानी दूसरी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेडो की वैल्यू जो है वो रियल से इमेजिनरी और इमेजिनरी से रियल में चेंज होती है, तो उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. जिस फ्रीक्वेंसी पर इसकी जो वैल्यू चेंज होती है उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज कॉन्स्टेंट के फिल्टर्स और प्रोटोटाइप फिल्टर्स. तो प्रोटोटाइप फिल्टर्स या के फिल्टर्स नथिंग, इट्स जस्ट सिंपली अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंपीडेंस सीरीज ऑफ पैरेलल इंपीडेंसेस. अगर उनका इंपीडेंस दो सीरीज ऑफ पैरेलल इंपीडेंस है, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो दिस मल्टीप्लीकेशन बी इक्वलेंट टू द कॉन्स्टेंट. अगर ये कॉन्स्टेंट आता है तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप फिल्टर्स और के फिल्टर्स. अगर जेड वन जेड टू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है. Here RO square is a real number whose value does not depends upon the frequency. यहां हम देखें तो RO की value frequency पर depend नहीं कर रही है. So it is called the design impedance of filter. इसीलिए this is the parameter on which the design of the filters are depend. के इस पर filter की design impedance करती है. It is also called the prototype filters. Different type of filters are shown in figure. अगर हम different filters को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है low pass filter. लो पास फिल्टर में ये दिस इज दी टी सेक्शन, दिस इज पाई सेक्शन. पहले हम ऑलरेडी टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ चुके हैं टी सेक्शन और पाई सेक्शन के लिए, जहां पर ये जेड वन बाई टू, जेड वन बाई टू और ये जेड टू था. फिल्टर के लिए हमने कहा था कि सीरीज ब्रांच में अगर इंडक्टर है तो पैरेलल में कैपेसिटर होगा, पैरेलल में कैपेसिटर सीरीज में कैपेसिटर तो पैरेलल में इंडक्टर होगा. तो लो पास फिल्टर के लिए हम सीरीज में इंडक्टर रखते हैं तो एल बाई टू ले लिया और पैरेलल में कैपेसिटर रहते हैं. ऐसे ही पाई सेक्शन में देखें तो सीरीज में इंडक्टर पैरेलल में कैपेसिटर. सो दिस इज दी डायग्राम फॉर दी प्रोटोटाइप लो पास टी और पाई फिल्टर. दोनों तरह के फिल्टर हैं टी और पाई. इसी तरह से हाई पास फिल्टर देखें तो हाई पास फिल्टर में जस्ट लो पास फिल्टर का अपोजिट है. हमने सीरीज ब्रांच में तो कैपेसिटर रखा है, वहां पर इंडक्टर था, और पैरेलल ब्रांच में इंडक्टर रखा है जहां पर कैपेसिटर था. ये टी सेक्शन हो गया, ये पाई सेक्शन हो गया. तो दिस इज फॉर दी प्रोटोटाइप ऑफ हाई पास फिल्टर. इसी तरह से बैंड पास फिल्टर देखें तो बैंड पास फिल्टर में हम सीरीज एलसी सर्किट यूज करते हैं, सीरीज और पैरेलल एलसी सर्किट. तो अगर सीरीज ब्रांच में हमने सीरीज एलसी सर्किट यूज किया है और पैरेलल ब्रांच में हमने पैरेलल एलसी सर्किट यूज किया है, तो इस तरह के जो नेटवर्क है उसे हम बैंड पास फिल्टर बोलते हैं. पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा जिसमें एल और सी दोनों हमने सीरीज में यूज किए और पैरेलल ब्रांच में पैरेलल में यूज किए. ऐसे यहां पर देखें पाई नेटवर्क में तो सीरीज में एलसी नेटवर्क और पैरेलल एलसी नेटवर्क. ये हो गया बैंड पास फिल्टर. इसके बाद आता है बैंड स्टॉप फिल्टर. बैंड स्टॉप फिल्टर बैंड पास फिल्टर का अपोजिट होगा. वहां पर हमने पैरेलल में पैरेलल एलसी सर्किट यूज किया था, यहां हम सीरीज में पैरेलल सर्किट यूज कर रहे हैं और पैरेलल में सीरीज सर्किट यूज कर रहे हैं. तो यहां सीरीज एलसी सर्किट है, यहां पैरेलल एलसी सर्किट है.
तो ऐसे ही पाई नेटवर्क के लिए हो गया सीरीज एलसी नेटवर्क और सीरीज पाई नेटवर्क. सो दिस इज दी बैंड स्टॉप टी एंड पाई फिल्टर्स. नेक्स्ट आता है एम ड्राइव फिल्टर. एम ड्राइव फिल्टर इज अ सच टाइप ऑफ प्रोटोटाइप फिल्टर्स इन विच सीरीज आर्म इंपीडेंस इज मल्टीप्लाइड बाई एम वाइल संट आर्म इंपीडेंस इज डिवाइड बाई एम. यानी सीरीज जो एम ड्राइव फिल्टर एक इस तरह का फिल्टर है जिसमें हम सीरीज इंपीडेंस सीरीज ब्रांच का जो इंपीडेंस है उसे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पैरेलल ब्रांच का जो इंपीडेंस है उसे एम से डिवाइड करते हैं जहां पर एम की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करती है यानी पॉइंट्स में होती है. तो दिस इज दी एम ड्राइव फिल्टर बट इट इज इन और आउट ऑफ सिलेबस नॉट सिलेबस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक.